जय जय माता दी दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों मैं हाजिर हूँ फिर से एक ऐसी वीडियो लेके जो कि आपकी बहुत सी मनोकामनाएं पूर्ण कर सकती है दोस्तों। तो दोस्तों शिवलिंग पे आपने अक्सर बेलपत्र चढ़ाए होंगे दोस्तों। हर कोई शिवलिंग पे बेलपत्र चढ़ाता है और हर कोई चाहता है कि उसकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाए। तो दोस्तों बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी बहुत सारी मनोकामनाएं पूर्ण नहीं होती हैं, और कुछ एक ऐसे होते हैं जो एक बार करते हैं वही कार्य उनका बन जाता है। तो दोस्तों क्या आप जानते हैं कि शिवलिंग पे बेलपत्र किस प्रकार चढ़ाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, बहुत से कम लोगों को ही पता है कि बेलपत्र किस प्रकार चढ़ाना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले बेलपत्र को धो लें, घर पे जब भी बेलपत्र लेके आएँ उसे धो लें और देख लें कि पूरा हो बेलपत्र, खंडित ना हो, कहीं से भी खंडित ना हो, बिल्कुल पूरा होना चाहिए। तीनों पत्ते बिल्कुल पूरे पूरे होने चाहिए दोस्तों। और उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, बेलपत्र जब भी चढ़ाएँ तो दोस्तों कोरा बेलपत्र नहीं चढ़ाया जाता है। जब भी बेलपत्र चढ़ाना हो आप उस पर चंदन का लेप अवश्य लगा दें दोस्तों। शिवजी को सिंदूर नहीं चढ़ाया जाता है, जो शिवजी भगवान है उनको सिंदूर का तिलक नहीं किया जाता है, उन्हें केवल चंदन का तिलक किया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों जब भी चढ़ाना हो आपको बेलपत्र इस प्रकार चढ़ाएँ, बेलपत्र पर चंदन का लेप लगाएं, अवश्य लगाएं और फिर चढ़ाएं। उसके बाद आपकी जो भी इच्छा है वो भगवान से मांग लें, ईश्वर से मांगें, आपको जो भी चाहिए उसके बाद आपकी इच्छा बहुत जल्द पूरी हो जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों जो शिवजी है, जो शिवलिंग है उस पे आप इस प्रकार चढ़ाएं, और शिवजी पे तुलसी ना चढ़ाएं कभी भी, क्योंकि तुलसी नहीं चढ़ी जाती। ऐसी मान्यता है कि शिवजी भगवान और तुलसी माता की आपस में नहीं बनती थी, इसलिए शिवजी की पूजा में तुलसी का प्रयोग नहीं किया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप इस प्रकार करके बेलपत्र चढ़ाते हैं तो आपकी जो भी मनोकामना है बहुत जल्द पूरी हो जाती है दोस्तों। और दोस्तों ऐसा भी माना जाता है, बहुत सी बात देखा है हमने, ऐसा माना जाता है कि शिवलिंग पे अगर कोई चढ़ाई हुई बेलपत्र उठा के घर लेके आते हैं और उसे चबा चबा के खाते हैं तो भी उन्हें संतान की प्राप्ति हो जाती है। जो निसंतान दंपत्ति हैं, जो निसंतान हैं, उनके पुत्र या पुत्री कुछ भी नहीं हो रहा है, बहुत प्रयत्न के बाद भी नहीं हो रहा है, तो शिवलिंग पर चढ़ाई हुई बेलपत्री अपने घर लेके आए और उसे अच्छे से जल से धोके और आप उसे चबा चबा के खाएं। ऐसा आपको 16 सोमवार करना है दोस्तों। अगर आप 16 सोमवार ऐसा करते हैं तो आपके घर संतान की उत्पत्ति ज़रूर होती है दोस्तों, ऐसी मान्यता है। बहुत से केसेस में देखा है कि ऐसा हो जाता है। तो दोस्तों सच्चे मन से करें, जो भी करना है आपको, जो भी चाहिए प्रभु से सच्चे मन से मांगे, तो सच्चे मन से मांगी हुई मुरादें जो होती हैं वो अवश्य पूर्ण होती हैं। और शिवलिंग पे हमेशा इस प्रकार ही बेलपत्र चढ़ाएं, ध्यान रखें बेलपत्र कोरा ना हो, बेलपत्री पे तिलक अवश्य कर लें, उस पर चंदन का लेप करके ही चढ़ाएं और फिर अपनी इच्छा मांगें, तो आपकी इच्छा बहुत जल्द पूर्ण हो जाती है दोस्तों। ऐसा आपको सावन में करना है, सावन के महीने में ऐसा करेंगे तो बहुत ही पुण्य प्राप्त होगा, बहुत ही जल्द आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी दोस्तों। तो दोस्तों ऐसा करें और फिर पंडित जी को दक्षिणा अवश्य दें, 11 रुपये, 21 रुपये, 51 रुपये, जो भी आपकी श्रद्धा हो पंडित जी को दक्षिणा अवश्य दें, या किसी ज़रूरतमंद को दक्षिणा दें, दान करें दोस्तों। दान करना बहुत आवश्यक है, जो भी पूजा पाठ किया जाता है उसके बाद दान अवश्य किया जाता है, तभी पूजा पाठ मान्य होता है। तो दोस्तों ये बहुत ही पवित्र हो जाती हैं चंदन के तिलक के बाद, बहुत पवित्र माना जाता है बेलपत्री को, और इससे बहुत सी कथाएं भी जुड़ी हुई हैं। तो दोस्तों बेलपत्री जब भी चढ़ाएं इसी प्रकार करके चढ़ाएं, उससे आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो दोस्तों फिर मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।